मतलब दोनों पेपरों को हल करने के बाद, मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, आज गाली देने का मन हो रहा था यूपीएससी को खुले तौर पर। उसका कारण ये था कि हम क्या चाहते हैं भाई, क्या विद्यार्थी से ढूंढना चाहते हो। देखो जीएस का पेपर कठिन है तो मैं कहूंगा कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, तो चलो उसको हम न्यायिक संगत कह देंगे कि कट ऑफ कम गया, सभी का कट ऑफ कम चला जाएगा। लेकिन इस पेपर का लेवल आप इतना कठिन करके क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब मैंने पिछले 12 वर्षों में पेपर सॉल्व किया है, पिछले 12 वर्षों से सीसेट का एक एक पेपर हल किया है मैंने, और मैं 2011 जब सीसेट आया था तब से सीसेट पढ़ा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं केवल सीसेट पढ़ाने वाला मास्टर रहा हूं, मैंने कैट के विद्यार्थियों को जब प्रिपरेशन करते थे तब भी पढ़ाया है मैथ्स, मैंने एसएससी बैंकिंग वाले विद्यार्थियों को भी मैथ्स पढ़ाया है, मैंने हवलदार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के 2 बैच में रीजनिंग पढ़ाया है, तो मेरा थोड़ा अनुभव रहा है डाइवर्सिफाइड। यकीन मानिए मतलब 3 घंटे लगे मुझे, 3 घंटे, मतलब मैंने बहुत ये चिंता का विषय मुझे नहीं लगा कि मुझे 3 घंटे लगे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो विद्यार्थी जो कक्षा एग्जाम हॉल में बैठा था 2 घंटे उसके साथ क्या बीती होगी। वो बेचारा तो अपने आप को दोष दे रहा होगा कि मेरा ही नहीं हो पा रहा है, दुनिया कर पा रही होगी। मतलब दोनों पेपर, और एक मास्टर मतलब एक मैं भी देख रहा था व्हाट्सएप, तो स्टेटस एक मास्टर ने डाला था, उसमें लिखा था मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का प्रश्न आएगा। अरे गंदे मास्टर, राष्ट्रपति का प्रश्न आएगा उस बच्चे से पूछो, उसे भी पता है कि निर्वाचित और कौन से भाग लेंगे, लेकिन कभी पढ़ा था आपने, मैंने या किसी मास्टर ने, कि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का वोट क्या होता है और पुदुचेरी के एमएलए का वोट क्या होता है, मध्य प्रदेश के एमएलए का वोट क्या होता है और उसके साथ तुलना किए हुए केरल के एमएलए का वोट क्या होता है। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पेपर बनाने वाले को भी, मतलब क्या जानना चाहता है। मैं केवल इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि सच में अगर इतनी बड़ी संस्था है ना, तो कोई एक व्यक्ति खड़ा करे और सॉल्व करके दिखा दे, मात्र 2 घंटे में पेपर 1 को सॉल्व करके दिखा दे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे 2 घंटे में, उनके अपने एक्सपर्ट से भी मान लूंगा मैं। और सी सेट में भी मैं कहूंगा कि जिनको भी लगता है कि नहीं सी सेट में बहुत 30 मार्क आए, 40% क्वेश्चनों को कई सारे इंस्टीट्यूट के आंसर की वालों ने केवल उत्तर बता दिए कि हाँ ये उत्तर है, भाई कैसे आया, क्यों आया, कुछ तो बताओ, वहां भी कोई जवाब नहीं है। बहुत रेयरली, मतलब मैं कहूंगा गिने चुने 1 या 2 शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने शायद सीसेट में थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की है। मतलब दोनों पेपर देखने के बाद अंदर से ऐसी आवाज आई कि सच में अंदर से, मतलब होता ना कि होता है कभी कभी गाली देने का मन होता है, रियलिटी में वही सीन था कि भाई क्या चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो, कैसा आईएएस अधिकारी आपको चाहिए, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बनाना चाहते हो जो साइंटिस्ट होगा, जो वैज्ञानिक होगा। मतलब मैं शुरुआत के 5 मिनट केवल इसीलिए आपसे मैं बातचीत करना चाह रहा हूं कि रियल में भयानक पेपर है। मतलब मैंने अपने 12 साल में न जाने कितने मैथ्स के डाउट सॉल्व किए होंगे, कितने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखा होगा। 4 क्वेश्चन मैंने गूगल किए, उनमें से 1 क्वेश्चन के गूगल पर उत्तर है, 3 का तो गूगल पर भी उत्तर नहीं है। मतलब मैं ये कहूंगा भाई निश्चित रूप से आप लोगों के साथ खुले तौर पर अन्याय है और ये गंदगी है। मतलब अन्याय क्या कहूंगा मैं, देखो आपको कैट की बात अलग होती है, आपको एमबीए के लोग तैयार करने होते हैं तो बात समझ में भी आती है, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी एक समझ अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जिसके पास बेसिक नॉलेज हो। एक तरफ आप कहते 10वीं का मैथ्स, कौन सी 10वीं कक्षा मुझे दिखा दो पूरे वर्ल्ड की, मतलब भारत की छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड की 10वीं की कक्षा दिखा दो मुझे, जहां पे जिन्होंने पेपर बनाया, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात थी 10वीं में इस सवालों को हल करने की, जो अभी क्वेश्चन बनाने की हवाबाजी कर रहे हो।
मतलब खुद के दसवीं में 50 नंबर ना आए हो लेकिन हवाबाजी देख लो इनकी, भयानक पेपर है भाई। मतलब मैं बहुत ही नाराज हूं इस बात से कि क्या चाहते हैं। पेपर वन बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा बहुत ही रद्दी। भले एक एक मास्टर आकर कहेगा कि हाँ मेरा ज्योग्राफी था तो 10 में से ये 8 सवाल हल कर लेगा, भाई उसे ज्योग्राफी थोड़ी हल करना है, बच्चे को पूरे 100 सवाल देखने थे। कुछ जगह पर एंशियंट हिस्ट्री वाले कहेंगे, कुछ जगह करंट वाले कहेंगे देखा, मैं कहूंगा भाई देखने जैसी कोई बात ही नहीं थी। मतलब बहुत, मतलब मैं आप लोगों के साथ मतलब क्या कहूं मैं कि दयनीय स्थिति में हूं। और ऐसा नहीं है कि पेपर वन और पेपर टू मैंने सॉल्व नहीं किए, क्योंकि मैंने तो पूरा सॉल्व किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि बाकी शिक्षक एक एक सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। एक शिक्षक आता है वो कहता है ठीक है मैं ज्योग्राफी पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स बता देता हूँ, ये तो ईजी था, ये तो हो जाना चाहिए था। अरे भाई उसको केवल एक विषय थोड़ी था, और आप एक विषय पढ़ा रहे थे, एक विषय आप दिन रात पढ़ाते हो तब आपको लग रहा है कि वो 8 में से 6 क्वेश्चन इजी थे। उससे तो पूछो, वो 10 विषय पढ़ रहा था ना, तब उससे पूछो कि उसे कितना याद रहा था उसमें से। भयानक दयनीय पेपर था। और ऐसा नहीं कि केवल एक, दोनों पेपर बहुत दयनीय। मतलब मैं खुले तौर पर कहूंगा कि भत्सना होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, और मतलब इतना गंदा लेवल नहीं होना चाहिए। भी परीक्षा, अगर आपको क्रिकेट मैच का लुक लेना है या आपको कोई भी कंपटीशन का लुक लेना है तो आप लिबरल होकर उसे मौका दीजिए ना अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का। ये कौन सा मौका है आप नियमों पे नियम लेकर आ जाएंगे, तो मैं खुले तौर पर कहूंगा बिल्कुल घटिया व्यक्ति होगा, निम्न स्तर का व्यक्ति होगा, बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्ति होगा जिसने भी इस तरीके की हरकतें की होगी। और मैं पूरी तरह से केवल और केवल विद्यार्थियों के साथ हूं, क्योंकि सच में क्योंकि मैंने दोनों पेपर सॉल्व किए भाई। मैं कोई एक सेगमेंट और एक 10 सवालों का सेगमेंट लेकर उतरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। आप पूरा पेपर सॉल्व करके देखिए तब समझ में आता है कि सच में पेपर कितना गंदा है। और 3 घंटे सॉल्व करने के बाद भी अभी 8-9 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि देखो भाई इसका उत्तर मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ जगह पर क्या कर सकते हैं, मतलब हाथ बन जाते हैं कि कुछ भी नहीं। मैं तो कहूंगा कि ये नहीं सही है, न्याय नहीं है, बिल्कुल भी न्याय नहीं है। न्याय होना चाहिए जहां कॉम्पिटिशन के लिए चीजें बेटर तरीके की आनी चाहिए, बट ये चीजें बहुत ही खराब है, बकवास है, ये बकवास है। मतलब मार्क